फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास है आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री के यूनिट थर्ड की, जो कि आपका थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है। आप सबकी काफी रिक्वेस्ट थी, मैम थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट करिए, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। डेली प्लेलिस्ट चेकआउट करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी क्लासेस की मिल जाएगी। जो भी एनालिटिकल की क्लास मैं अब तक ले चुकी हूं ना, उन सबका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। साथ ही साथ आपके लिए एक बेनिफिट है मेरी चैनल को ज्वाइन करने का, कि टेलीग्राम पे आपको ये फ्री नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, फोटोज इनकी मिल जाएगी, तो आप फ्री में नोट्स बनाने की दिक्कत आपकी एंड हो जाएगी, क्योंकि हैंडमेड नोट्स आपको मिल जाएंगे, बट वो मिलेंगे टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो चेकआउट कर लेना। साथ ही साथ आपका सिलेबस मेरा है कि मैं आपको अक्टूबर तक कंप्लीट करा दूंगी, बट उसके लिए आपको डेली क्लासेस को चेकआउट करना है, अच्छा फीडबैक देना है क्लासेस को, जितना आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हो वो आपको करना है। तो चलिए अब स्टार्ट कर देती हूँ रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन को। द प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन हैव बीन रिव्यू इन डिटेल बाय बरुन एंड टोलेग्रेसी इन 1914। जो रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन है, इससे आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है, पहले तो ये माइंड में रखिए, शॉर्ट में नहीं आएगा, या शॉर्ट में आता है तो सिर्फ आपको इंट्रो देना है, बट इसके टाइप्स हैं, इसकी प्रिपरेशन है, इसका डायग्राम है, वो सब आपको क्लासेस में डे बाय डे मिलेगा। आप इस क्लास को देखो, इसमें इंट्रो शेयर करूंगी, टाइप्स के लिए अलग से क्लास है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया, तो वो चेकआउट कर लेना। तो ये जो टेक्निक है आपकी रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन की, इसे सबसे पहले बरुन और टोलेग्रेसी ने 1914 में दिया था, ठीक है। इन द रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन रेडियो एक्टिविटी इज हाईली कंसर्न्ड, यानी कि जो रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है, जो रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस होती है, उसे मेनली देखा जाता है, यानी कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ एंड पॉइंट, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें जो एक्टिविटीज होंगी उन्हें कंसिडर करना एंड पॉइंट पे, वो आपकी रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन कहलाती है। व्हेन दिस टाइट्रेशन इज परफॉर्म्ड, ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ मेजरमेंट, जब भी टाइट्रेशन परफॉर्म की जाती है, आपने टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल भी बीएससी में किया होगा, तो उसके लिए हमें सुटेबल कंडीशन देखनी होती है ना, एक प्रॉपर सेटअप होता है जब भी हम टाइट्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, क्लियर। देन है द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच कॉज सिमिलर चेंजेस इन रेडियो एक्टिविटी, यानी कि जो भी रेडियो एक्टिविटी होती है उसे जब हम पाते हैं या उसे सर्च करते हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी कंसेंट्रेशन के, और जिसके थ्रू रेडियो एक्टिविटी में कुछ चेंजेस भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इन सच टाइट्रेशन द एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग द चेंज इन रेडियो एक्टिव, ठीक है, अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ टाइट्रेशन एडेड एंड इन दिस लाइन द रिलेशनशिप फाउंड, यानी कि इसमें क्या करते हैं, हम डायग्राम बनाते हैं, ये मान लीजिए ये हमारी प्रोसेस है। अब इसमें जो हमने टाइट्रेशन ऐड की, तो उसके बाद में भी पहले ये रिएक्शन ऐसे जा रही थी, अभी वो रिएक्शन ऐसे हो जाएगी, ओके, तो क्या हुआ, जो भी हमने टाइट्रेशन का एंड पॉइंट से हम इसे सर्च करेंगे, तो ये एंड पॉइंट कैसे आया, हमने इसमें कुछ चेंजेस के लिए कुछ अमाउंट ऐड की, तो अमाउंट के बाद जो चेंज हुआ उस चेंज को सर्च करना एट अ एंड पॉइंट, तो वो क्या होता है, एक लाइनर रिलेशनशिप शो करता है टाइट्रेशन में, क्लियर। अगर आपने टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल किया है तो कोई प्रॉब्लम ही आपको इस टॉपिक में नहीं आएगी, बट अगर प्रैक्टिकल नहीं किया तो मे बी थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा, बट एक से दो बार क्लास को देखोगे समझोगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इन रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन द एंड पॉइंट कैन बी ऑब्टेन मच मोर एक्यूरेटली देन द कन्वेंशनल कलर ऑर्गेनिक इंडिकेटर, यानी कि अगर आपको जो एंड पॉइंट मैंने बताया कि हम एंड पॉइंट सर्च करते हैं रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन में, अगर उस एंड पॉइंट को हमें काफी अच्छे से ऑब्टेन करना है, एक्यूरेटली उसकी सर्च करना है, यानी कि एक्यूरेट रिजल्ट हमें चाहिए, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो उसके लिए हमें कन्वीनियंटल कलर्ड ऑर्गेनिक इंडिकेटर यूज करने होते हैं टाइट्रेशन के मेथड में। रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन में डायरेक्टली ना, ये आपको टाइट्रेशन की प्रोसेस बता रहे हैं, और उसे ही हम रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं। प्रैक्टिकल करा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट प्रैक्टिकल नहीं करा तो इस क्लास को एक से दो बार देख लो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। These titration can be carried out whether the system is heterogeneous turbid, colored, non-aqueous, because radioactivity is not affected by these conditions. जो titration होती है आपकी, वो किसी भी system में perform की जा सकती है, चाहे वो heterogeneous turbid हो, colored हो, non-aqueous हो, क्योंकि जो radioactivity है वो इन conditions के through affect नहीं होती है।
अब तो क्लियर हो गया रेडियोएक्टिविटी क्या है, किसी भी प्रोसेस को सर्च करना, एक्यूरेटली उसकी अमाउंट जानना उसके रिएक्टिविटीज के थ्रू, और एंड पॉइंट पे जो चेंज हुए हैं वो कैसे चेंज हुए हैं उनका एक्यूरेट रिजल्ट निकालना ही आपका टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल एक बार अपने कॉलेज में कर लेना तो आपको ये क्लियर समझ आ जाएगा। हालांकि अभी अगर कोविड की वजह से कॉलेज बंद है तो वो मैं नहीं कह सकती, मैं कोशिश करूंगी मैं बोर्ड पे आपको समझाऊं अगर आपके समझ टाइट्रेशन का मेथड नहीं आया तो, अदरवाइज इस क्लास के बाद थ्योरेटिकल तो मैं इजी से इजी ऐसे ही आपको समझा सकती थी। क्लियर, आपको थर्ड सेमेस्टर की जो भी क्लास चेकआउट करनी है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेकआउट कर लेना, और डेली 4 PM पे आपको क्लास मिलती रहेगी तो वो देखना मत भूलना। साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना फ्री नोट्स के लिए, वहां आपको क्लास के एंड होते ही फोटोज मिल जाएंगी फ्री में अपने हैंडमेड नोट्स की, तो आपको नोट्स बनाने की भी प्रॉब्लम अब से नहीं होगी अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, मेरा थोड़ा भी हार्डवर्क लगा हो, क्योंकि मैं आप सबके लिए ही हैंडमेड नोट्स बनाती हूँ, मैं तो ये बुक से भी समझा सकती हूँ बोर्ड पे भी समझा सकती हूँ, बट कुछ टॉपिक के मैं बोर्ड पे भी समझाऊंगी बट फिर भी मैं नोट्स आपको दूंगी क्योंकि मुझे आपके जो सिलेबस है वो फ्री में कंप्लीट कराना है, तो फ्री में हैंडमेड नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी। सो चैनल को फॉलो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय। आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताना।